आज आप लोगों को एक डोर में डैमेज है। डैमेज कैसे कम्प्लीट करना पड़ेगा, तो देखिए ज़्यादा डैमेज नहीं है कोई, फिर भी डेंट करना पड़ेगा, डेंटिंग है। तो डेंटिंग के लिए सबसे पहले हम लोगों को सिंगल एक्सल सैंडिंग मशीन से अच्छा से कलर को सैंडिंग करना पड़ेगा। तो देखिए पहले कलर को सैंडिंग होने दीजिए। सैंडिंग होने के बाद पूरा प्रोसेस इसमें है, पूरा प्रोसेस इसमें है। तो आप लोग देखिए पहले डेंटिंग का प्रोसेस, तो देखिए जगह जगह में हाथ से चेक कीजिएगा, कोई जगह पे डेंट है तो आपको सैंडिंग करना जरूरी है। तो देखिए मैंने इसको अच्छा से सैंडिंग किया, तो देखिए अच्छा से सैंडिंग कीजिएगा। तो देखिए यार देखिए अच्छे से क्लीन भी कर दिया हमने, क्लीन हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, डेंट ए डेंट प्लर से हम लोग डेंटिंग कर रहे हैं। देखिए तो जो जो जगह में डेंट है हर जगह में हम लोग डेंट प्लर से डेंटिंग करेंगे। तो डेंटिंग भी आप लोग देख के कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा डेंट प्लर से। तो देखिए हाथ से चेक कीजिएगा डेंट कैसे हुआ। तो देखिए मैंने डेंट कर रहा हूँ, डेंट करके हाथ से चेक भी कर रहा हूँ, तो आप लोग भी चेक कीजिएगा चेक कैसे हुआ डेंट। तो देखिए हाथ से चेक कीजिएगा अच्छे से। तो ऊपर में भी थोड़ा डेंट है तो उसमें भी हम लोग करेंगे डेंटिंग। तो ऊपर में भी डेंटिंग कर दिया हमने, तो डेंट जरूरी है, ये डेंट का ऊपर डायरेक्ट पुट्टी मत भरिएगा आप लोग। और एक चीज आप लोग याद रखना, डेंट अच्छा हुआ तो आप लोगों को बॉडी फिलर का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट्टी मार के कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए अभी क्या करेंगे, सिंगल एक्सेस से जहाँ पे डेंट पुलर से हमने डेंटिंग किया है तो वहां पे क्या होता है, एक स्पॉट हो जाता है, वही स्पॉट को आप लोग सिंगल एक्सेस सैंडिंग मशीन से अच्छा से क्लीन कर दीजिए। तो सिंगल एक्सल सेंडिंग मशीन है, सिंगल एक्सल सेंडिंग मशीन से हम लोग अच्छे से क्लीन कर देंगे। देखिए तो इसमें अच्छे से क्लीन कर दिया हमने। तो अभी क्या होगा, इसमें सैंडिंग होगा, जो हम लोगों का डेंट बहुत ही अच्छा हुआ तो इसलिए हम लोगों का यहाँ पे बॉडी फिलर का जरूरत नहीं है, पुट्टी देंगे, पुट्टी देने से हो जाएगा। तो देखिए पहले आप लोगों को पुट्टी मेकअप करने से नहीं होगा, पहले सैंडिंग जरूरी है। तो देखिए हम लोग जैसे फेदरिंग जैसा करके मेकअप किया है, आप यहाँ पे फॉलो कीजिए, ये फेदरिंग जहाँ पे किया है हमने फॉलो कीजिए, 8 mm करके मिलाया है। देखिए तो ऐसे ही आप लोगों को सैंडिंग को मिलाना जरूरी है, 8 mm करके, देखिए हर जगह में 8 mm करके, पहले इरीगोट फिर पाइमर फिर कलर, तो सैंडिंग ऐसा जरूर है आप लोगों को। तो जैसा कि बैर किया है तो आप लोग भी ऐसा करके सैंडिंग कीजिए, फिर उसके बाद पुट्टी भरिए उसमें। तो देखिए अभी पुट्टी भरेंगे हम लोग। तो पुट्टी देखिए, पुट्टी फास्ट कोट आप लोगों को दबा के टालना पड़ेगा। देखिए फास्ट कोट पहले आप लोग दबा के टालेंगे, देखिए फास्ट कोट दबा के टाल रहे हैं हम लोग। तो फास्ट कोट पहले आप लोग दबा के टाल रहे हैं, फिर इसमें गड्ढा को भर दिए, फिर अभी हम लोग गड्ढा भरेंगे। देखिए गड्ढा को भर दिया, तो देखिए तो पुट्टी भी भरना है आप लोगों को देख के अच्छा से। जितना अच्छा पुट्टी आप लोग भरेंगे तो आप लोगों का सैंडिंग उतना ही अच्छा होगा। तो देखिए पुट्टी कैसे भरना है आप लोग अच्छा से भरिए। तो नीचे का जो लाइन क्रॉस है उसमें भी पुट्टी भर दिया हमने, तो अभी ऊपर का जो है ऊपर में भी पुट्टी भरेंगे हम लोग। तो ऊपर में भी पुट्टी भर दिया हमने। तो अभी क्या करेंगे, तो देखिए जो पुट्टी है उसमें पूरा भर दिया हमने, तो देखिए पूरा भर दिया हमने। तो अभी नीचे का जो कॉच है इस कॉच को भी आप लोगों को भरना पड़ेगा, देखिए नीचे भी दिन थोड़ा सा था तो इसलिए हम लोग नीचे में भी पुट्टी दिया है और सैंडिंग करके अच्छे से हम लोग मिला देंगे। तो अभी होगा हम लोगों का सैंडिंग। तो सैंडिंग के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए ड्राई कोट, ड्राई कोट लगा लीजिए, फिर 80 नंबर गोल्ड डिश पेपर लीजिए, 80 नंबर गोल्ड डिश पेपर देके पहले आप लोग सैंडिंग कीजिए। तो ये 80 नंबर गोल्ड डिश पेपर है, 80 नंबर गोल्ड डिश पेपर देके हम लोग अच्छे से सैंडिंग कर रहे हैं। देखिए तो 80 नंबर सैंडिंग हो गया, तो अभी चाहिए 120 फाइल पेपर। तो देखिए ये 120 फाइल पेपर से हम लोग सैंडिंग कर रहे हैं। देखिए 80 नंबर का जो दाग होता है स्केच, वो 120 से चला जाएगा, तो आप लोग 120 पेपर यूज कीजिए।
तो 120 नंबर पेपर हमने यूज़ किया है। तो देखिए, तो सैंडिंग के लिए आप लोगों को दोनों तरफ से सैंडिंग करना जरूरी है, जैसे मैंने किया है, आप लोग भी कीजिएगा। तो देखिए, सैंडिंग हमने अच्छे से किया है। देखिए, तो आप लोग भी सैंडिंग अच्छे से कीजिए, जैसे करके मैंने किया है, आप लोग भी कीजिएगा। और आप लोग कुछ जानना है तो कमेंट में बताइए। तो मेरा सैंडिंग कैसा हुआ, आप लोगों का कैसा लगा, पूरा ड्राई सैंडिंग है, आप लोग देखिए एक बार। तो देखिए, अभी क्या है, इसका कॉस्ट निकालना जरूरी है। तो कॉस्ट के लिए हमने ऊपर में एक मास्किंग टेप दे दिया। तो अभी करेंगे हम लोग 180 नंबर पेपर से सैंडिंग। तो ये 180 नंबर पेपर, 120 का बाद आप लोगों का 180 जाएगा। जब भी आप लोग सैंडिंग करने हैं, पहले आप लोग 80 नंबर कीजिए यूज, फिर उसके बाद 120 नंबर पेपर यूज कीजिए, फिर इसके बाद आप लोग 180 नंबर यूज कीजिए फाइल। तो देखिए, 180 नंबर फाइल पेपर है। तो देखिए, फिर से डाइकोट लगा दिया हमने, अभी करेंगे 320। तो देखिए, ये 320 पेपर से जो मिलाना है, तो हम लोग अच्छा से सैंडिंग करके मिला देंगे। देखिए, 320 नंबर गोल्डिश पेपर है। तो इसका लाइन भी कॉस्ट भी अच्छे से निकल जाएगा। तो आप लोगों को भी लाइन कॉस्ट निकालने के लिए मास्किंग टेप यूज कीजिए, तो आप लोगों का भी सैंडिंग बहुत ही अच्छा बढ़िया होगा। देखिए, तो देखिए मैंने किया है अभी। तो नीचे का जो है, नीचे का लाइन कॉस्ट अच्छे से मिला दिया हमने। तो आप लोगों को भी लाइन कॉस्ट जो मिलाना है अच्छा से, जैसे कि मैंने मिलाया, आप लोग भी अच्छा से मिलाइए। तो देखिए, अभी मास्क टेप हटा देंगे हम लोग। तो देखिए, इसका लाइन क्रॉस निकल गया है अभी। तो इसका लाइन क्रॉस निकल गया है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, जो बाहर का एरिया है वो 320 से सेंडिंग कर देंगे। थोड़ा पाइप में, थोड़ा बाहर का एरिया से, थोड़ा बाहर में कर दीजिए 320 से, कि जहाँ पे पुट्टी है वहाँ पे तो पाइप में नहीं जाएगा, तो थोड़ा बाहर में ही जाएगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा बाहर में थोड़ा बड़ा कर कीजिए। तो अभी क्या होगा, अभी हम लोग ईआर देके अच्छा से क्लीन करेंगे अभी पुट्टी को। देखिए, तो अभी आप लोग ईआर देके अच्छा से क्लीन कीजिए। तो क्लीन करने का बाद अभी टेपिंग मेरा कंप्लीट है। अभी होगा पाइमर, तो ये 2K पाइमर है, एशियन पीवीजी का 2K पाइमर है, 510, बहुत ही अच्छा पाइमर है, एचएस पाइमर है, 510 पाइमर। तो देखिए, पुट्टी में जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग पाइमर फर्स्ट कोट मार देंगे। तो पाइमर ज़्यादा नहीं चाहिए, 2 कोट में मेकअप करना चाहिए। तो देखिए, 2 कोट में पाइमर मेकअप हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, फाइनल जो पाइमर है उसको एप्लीकेशन करेंगे। देखिए, तो फाइनल पाइमर हमने एप्लीकेशन कर दिया है अभी। तो देखिए, इसका लाइन क्रॉस भी कितना अच्छा से निकल गया है। तो अभी क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सैंडिंग। तो सैंडिंग के लिए पहले आप लोग 400 नंबर पेपर यूज कीजिए ड्राई सैंडिंग के लिए पाइमर में, फिर उसके बाद 500 नंबर पेपर यूज कीजिए फाइनल। और जो आप लोगों का बाहर का एरिया है, जो कलर, जिसमें कलर है, तो कलर में आप लोग 1000 नंबर ऑर्डर पेपर देके अच्छा से सैंडिंग कर दीजिए। बस थोड़ा बहुत पाइमर में पानी लगने से कुछ नहीं होगा, जो पाइमर तो आप लोग डायरेक्ट, मैंने डायरेक्ट सैंडिंग किया ना, तो इसलिए पाइमर को आप लोग डायरेक्ट सैंडिंग कीजिए। तो देखिए, तो अभी यार देखे क्लीन कर दिया। तो अभी जो बाहर का एरिया है, बाहर का एरिया में आप लोग 1000 नंबर ऑर्डर पेपर से सैंडिंग कर दीजिए। देखिए, बाहर जो एरिया है पाइमर का बाहर, तो उस बाहर एरिया में हमने 1000 नंबर ऑर्डर पेपर देखे अच्छा से इसमें सैंडिंग किया है। तो देखिए, तो मेरा सैंडिंग कंप्लीट है। तो इसको अच्छा से क्लीन कर दीजिए पहले आप लोग। क्लीन करने के बाद आप लोग इसमें देखिए कि क्लीन अच्छा हुआ, सब जगह में ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, मास्किंग टेप। देखिए, मास्किंग टेप एप्लीकेशन हो गया है अभी। मास्किंग के बाद आप लोगों को ओपी स्टोल व्यवहार कीजिएगा। देखिए, ओपी स्टोल से पूरा गाड़ी को ढक दिया हमने। तो अभी क्या करेंगे, ओपी स्टोल को कटिंग करेंगे अच्छा से। देखिए, ओपी स्टोल देने से क्या होता है, पूरा गाड़ी अच्छा से ढक जाता है। तो जो बाहर का एरिया है उसमें कलर भी नहीं जाता है, रैप भी नहीं होता है।
तो देखिए अभी मास्किंग टेप देके पूरा कवर कर देंगे। देखिए तो आप लोग भी मास्किंग टेप देके अच्छे से कवर कीजिएगा जैसा कि मैंने किया। तो देखिए हर जगह में मास्किंग टेप देके हम लोग कवर कर देंगे। तो मैंने किया है अभी कवर। तो अभी क्या करेंगे देखिए कंप्लीट है मेरा। अभी करेंगे हम लोग डिग्रीजिंग से क्लीन। तो देखिए तो ये डिग्री जा रहे, कोई डिग्री जार बोलता है, कोई स्लो स्पीड बोलता है। तो देखिए अभी पूरा गाड़ी को क्लीन कर देंगे, पूरा जो डोर है पूरा डोर को अच्छा से क्लीन कर देंगे। तो ये क्लीन जरूरी है, क्लीन नहीं करेंगे आप लोगों का कलर कभी भी अच्छा नहीं होगा। इसमें क्या होता है जो ऑयल वगैरह कुछ रहेगा आपका घाम सब हट जाएगा, क्लीन हो जाएगा अच्छा से। तो आप लोग कलर एप्लीकेशन कर सकता है। तो देखिए 100 ग्राम कलर में हमने पूरा डोर को मार देंगे। देखिए 100 ग्राम कलर में पहले फास्ट कर उड़ा दीजिए, पूरा एक्वाबेस कलर है, फास्ट कर उड़ा दीजिए कलर। तो देखिए फास्ट कर कलर है, पूरा एक्वाबेस कलर है। तो अभी इसको ड्राई होने दीजिए, ड्राई होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए 5 से 10 मिनट। तो देखिए सेकंड कोट भी मार दिया हमने। तो अभी इसको ड्राई होने दीजिए, ये ड्राई होने के बाद आप लोग कंट्रोल कोट मारिए। देखिए कंट्रोल कोट है, अभी कंट्रोल कोट टोटल ड्राई कोट में कंप्लीट किया हमने। तो ये क्लियर ही, तो क्लियर पहले आप लोग साइड में मारिए। देखिए दोनों साइड में क्लियर मार दिया हमने। तो जो जो प्रोसेस है क्लियर भी आप लोगों को 2 कोट में मेकअप करना चाहिए। तो फास्ट कोट क्लियर है, देखिए तो मैंने फास्ट कोट क्लियर यूज किया है। तो इसके बाद हमने सेकंड कोट एप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए फास्ट कोट क्लियर कैसा हुआ आप लोग। तो अभी ये फाइनल क्लियर है, देखिए तो फाइनल क्लियर हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। तो देखना कि फाइनल क्लियर होने के बाद गाड़ी एकदम नया जैसा हो जाएगा। तो देखिए साटा का गान से हो रहा है, साटा का 1.4 गान से क्लियर होता है। तो देखिए बढ़िया सा क्लियर मार दिया। इसका ईआर प्रेशर है अभी 40 में, ईआर प्रेशर है 40 में, ईआर प्रेशर है। तो देखिए 40 में मैंने यूज किया है। तो मेरा फाइनल क्लियर कंप्लीट है। तो अभी देखिए आप लोग मेरा जो दरवाजा पेंट हुआ है तो आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताइए। नया जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो भी कमेंट में बताइए आप लोग। तो देखिए एकदम नया जैसा हो गया कमेंट में, देखिए तो आप लोग बताइए कैसा हुआ एकदम नया जैसा। देखिए तो जो जो प्रोसेस मैंने यूज किया है एक दरवाजा में, तो आप लोग भी ऐसा प्रोसेस यूज कीजिए। तो देखिए दोनों तरफ से देखिए एकदम नया जैसा है, किसी को मालूम नहीं चलेगा। कॉच भी देखिए कितना अच्छा से बढ़िया से निकल गया है कॉच। तो कमेंट में आप लोग बताइए जो आप लोगों को मेरा काम कैसा लगा। तो प्लीज आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगा तो मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप कौन सा वीडियो देखना चाहती है वो कमेंट में बताइए। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर